रामानंद सागर के रामायण अपनी लाइफ में आपने एक बार तो जरूर देखी होगी। एक वक्त था जब रामायण नया शुरू हुआ था, उस वक्त सभी काम थम जाते थे। यहाँ तक कि रामायण के सभी किरदार को लोग रियल लाइफ के भगवान मानने लगे थे। आज की इस वीडियो में रामायण में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल के बारे में जानेंगे। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरुण ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया है, लेकिन रामानंद सागर के रामायण ने उनके करियर और जिंदगी को बदल दिया। अरुण गोविल कहीं भी दिख जाते हैं तो लोग उनके पैर छूने दौड़ पड़ते हैं। अरुण ने एक फिल्म अभिनेत्री श्रीलेखा गोविल से शादी की है। अरुण के दो बच्चे भी हैं, एक बेटा जिसका नाम अमल गोविल है और एक बेटी जिसका नाम सोनिका गोविल है। उनके बेटे की शादी हो चुकी है और अरुण जी दो बच्चों के दादा भी बन चुके हैं। उनके बेटी सोनिका पिता के एक्टिंग लाइन में होने के बावजूद एक्टिंग से दूरियां बना रखी है। सोनिका अपनी लाइफ को पर्सनल रखना ज़्यादा पसंद करती है। अभी सोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब कर रही है। इसके अलावा सोनिका कई बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी है। वह अपने पापा अरुण गोविल को बहुत प्यार करती है। रामायण के श्री राम अरुण गोविल के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।